बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में रेड छापेमारी के दौरान 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 कोबरा समेत 9 सांप इस दौरान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार में फेमस यूट्यूबर का नाम भी सामने आया है, यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया है। तो एल्विश यादव की पार्टी में सांप की सप्लाई करते थे, एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। PFA की शिकायत पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की यह बड़ी कार्रवाई है। वन विभाग और नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। तो देखिए किस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, छापेमार कार्रवाई। नोएडा से खबर, जहां गिरफ्तार फेमस यूट्यूबर का नाम भी सामने आया। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, देखिए पूरी खबर सामने आई है और खासतौर पर इसमें फेमस यूट्यूबर का भी नाम सामने आया है। देखिए बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और क्योंकि PFA जो पीपल फॉर एनिमल NGO है, वो काफी दिन से उन्होंने दावा किया है कि इस गैंग का पीछा कर रहे थे और उन्होंने स्टिंग भी किया। तमाम जो सबूत हैं पुलिस को दिए गए, उसके बाद पुलिस ने, वन विभाग की टीम ने और ड्रग्स डिपार्टमेंट ने, तीनों ने मिलकर छापेमारी की और छापेमारी में 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। इनके पास से कुल 9 स्नैक्स बरामद हुए हैं, जिसमें से 5 कोबरा हैं। सीधे तौर पर PFA के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कई वीडियो ऐसी हैं जो एल्विश के द्वारा रेव पार्टी आयोजित की जाती है दिल्ली NCR में, गुड़गांव, नोएडा में, और उसमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता है और वहां पर स्नैक्स बाइट के लिए कोबरा का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 5 लोग जिनके पास से सांप बरामद है वो तो गिरफ्तार कर लिए गए। एल्विश यादव का नाम भी FIR में, उसी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि एल्विश यादव कब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार होगा। एक बड़े नेटवर्क के तौर पर इस पूरे मामले को अभी शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर, तो ऐसे में पार्टी सांप की सप्लाई करते थे एल्विश यादव, इसके खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। इसमें क्या कुछ शामिल किया गया है? देखिए जो पूछताछ की गई पकड़े गए आरोपियों से, उस पूछताछ में उन लोगों ने इस बात की पुष्टि पुलिस को अपने बयानों में की है, जो FIR में लिखा गया है कि एल्विश यादव के लिए वो स्नैक्स की सप्लाई किया करते थे जहां जहां पार्टी हुआ करती है, और दूसरी तरफ जो NGO है पीपल फॉर एनिमल, उनके द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था स्नैक्स का जहर लेने को लेकर, वो स्टिंग ऑपरेशन के सबूत भी पुलिस को इस NGO के द्वारा दिए गए। तो अब तमाम सबूत मिलने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है वन विभाग की टीम के द्वारा। तमाम जो लोग हैं, उन 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें और कहां कहां इनका नेटवर्क जुड़ा है, क्योंकि PFA की तरफ से यह भी कहा गया है कि गुरुग्राम पुलिस को भी एक शिकायत दी गई है, वहां भी इनका इसी तरीके का नेटवर्क होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। ये जो नेटवर्क है ये काफी बड़ा हो सकता है और कई विदेशी लड़कियां भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगी इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।